मैं कह दिया मैं बाजे वाले नाल आ गया कि भाई असी घर ही नहीं है अच्छा जी एक बिग क्लैप मैं कहता हूँ अल्लाह इनकी जोड़ी सदा सलामत रखे इनकी जोड़ी को मालिक नजरे बद से बचाए मैं उनको भी सेट पे बुलाना चाहता हूँ कि वो एक दफा स्टेज पे आए और इस सेट की रौनक बहाल करें आगा वाजिद साहब थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया बहुत मोहब्बतें बड़ा प्यार आपका भी आपकी वजह से अरुण साहब ने नीमा स्टेज बनाया भी आगरे चढ़ना ये बात को यहाँ से स्टार्ट करें कॉमेडी तो होती रहे बेटा पीछे हट जाओ अंकल पुत्र जाते होंगे बेटे पीछे हट जाओ ये अंकल चुभ भी जाते होंगे कैसा कंडे यार का अंकल है अच्छा जी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी क्या अरुण साहब होशियारियों के नाम हमारे दानिश भाई ये वो जगह है वाह ये वो फार्म हाउस है फार्म हाउस है जहाँ से हमने परफार्म हाउस कर चुके हैं इस जगह से अपना करियर का तो नहीं कहूँगा अपने एक खूबसूरत सफर का आगाज किया बल्कि एक खूबसूरत एंकर के साथ और वो सफर इस फार्म हाउस से हमारा स्टार्ट हुआ मुझे आज यहाँ आके याद आ रहा है कहीं नहीं कुर्सियों पे हम बैठ के बातें किया करते थे जी जी तो आज क्या करना है कल क्या करना बकवास बंद कर अच्छा तो सीरियस बात भी करनी चाहिए वो वीडियो बन अच्छा वो वीडियो अपने बंदे को एडिट कर देना कि एडिट नहीं करेंगे तो एडिट वो स्टार्ट उस कारवां के सिपा सालार अरुण रफीक साहब जिन्होंने ये गुस्ताखियां गुस्ताखियां जुमले सुनी देंदे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया अक्सर औकात लोग बीड़ा कहते हैं असल बीड़ा है तो उस बीड़े में हम भी सवार हो गए जिसमें सलीम अलबेला मैं और शेजर अयूब मिर्ज़ा साहब हम इसी बीड़े के सवार थे और आज अल्लाह पाक ने उस बीड़े को टाइटैनिक बना दिया वाह 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 लेकिन हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती सबसे बड़ी खूबसूरती टाइटैनिक कैसे बना दिया बेड़ा नहीं होता बीड़ा 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 मैंने कहा बीड़ा टाइटैनिक कैसे बन गया ये जुमले होते हैं बेड़े को टाइटैनिक कहते हैं बीड़े को क्यों बीड़ा देते रहते लोग आप बता दीजिएगा ये जुमला तस्सीह करवा दे मेरी जान आप तक पैगाम पहुंच गया पहुंच गया यही काम थैंक यू सो मच तो लेकिन हमारी खुशकिस्मती हमारी मतलब सबसे बड़ी जो गुड लक वो ये कि उस टाइटैनिक का जो कैप्टन वो आज भी वही हाँ उसका अमला भी वही उसके सवार भी वही उन सवारों में इजाफा जरूर हुआ ऐसे हमारे बहुत से न्यू टैलेंट हमारी मतलब को होस्ट आ गई उसमें उकाशा आ गई ये अपना किरण आ गई ये सब खूबसूरत इजाफा ये हिस्सा ये हमारे टाइटैनिक का हिस्सा है ये टाइटैनिक का हिस्सा अल्लाह पाक के पैसेंजर आते रहेंगे उतरते रहेंगे अपने अपने सफर लेकिन ये जारी रहेंगे लेकिन उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत ये सफ़र जो हमारा था इसे बड़ी खूबसूरती से हम लोग तय करते जा रहे हैं आगा साहब तो आपकी तस्वीर ये सफ़र जो हमारा है 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 ये सफ़र जो हमारा है हाँ मैंने कह दिया okay, ये सफ़र जो हमारा है आप सब लोग हम सब दुआ करते इसको इस सफ़र को अल्लाह पाक बहुत तवील कर दे हमारे लिए ये देखो मैग फाड़ लो इन्हें नहीं हटना तो बाकी ओवर टू सलीम अलबेला नहीं बस सुन लीजिए जी चलो जी बस यही है कि ये जो चेहरे थे ये रूहें थी ये मिलनी थी फनकार यहीं कहीं भी होता है और एक जगह पे इंशाल्लाह उन्होंने इकट्ठे होना होता है आवाज ऊंची करें यार अच्छा भाई तो बड़ी खूबसूरत ये टाइटैनिक चल रहा है अल्लाह इसको नजरे बस से बचाए इंशाल्लाह हम साथ साथ हैं इंशाल्लाह इस पे सफर करते रहेंगे और मंजिलें आती रहेंगी और हम ARY को अरुण रफीक साहब को ARY के बाकी अमले को हसनैन नाफे साहब जो दीगर हमारे दोस्त हैं उमर भाई हमारी तरफ से सबको ढेरों मुबारक इस चीज़ की कि हमने पहले सबसे पहले 100 शो मुकम्मल किए उसके बाद 6 माह से हम लोग कंटिन्यूसली नंबर 1 है
अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह पाक का करम है, इसमें किसी की कोई चालाकी को होशियारी नहीं है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक का कर्म है, सबकी मेहनत है। और सबसे बड़ी बात, हारून साहब और दानिश भाई, इन्होंने बड़ी मेहनत की, इन्होंने इस गुलदस्ते को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मजबूती के साथ बांध के रखा हुआ है, और मेरी दुआ है कि ये गुलदस्ता कभी भी ना खुले, आज ये इसी तरह बंधा रहे और हम इस गुलदस्ते को दुनिया में फैला दें, लोग इसकी खुशबू सूंघते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया। लो जी, क्लैप करेंगे इन दोनों के लिए। बल्कि सलीम साहब, मैं चाहता हूं ऊपर रहें, सलीम साहब प्लीज आप मेरे साथ रहिएगा, ये मैंनू बहुत जुगता कर दे, मैंनू मैं कहना मेरे नाल भी कोई होवे, तू भी करया कर, तू शहनाई सुन ले, हमारे हम लास्ट में भजन नहीं चाहता हूं कि हमारे पहले सुन ले उनका, पहले सुन ले, हां हम चाहते हैं कि जी हमारे अरुण भाई की और हम सबकी एक आरजू है कि बाहू भाई दोबारा एक दफा स्टेज पे आए और आके अपने फन का मुजाहरा करें। क्लैप कीजिए जी, हमारे पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत बैंड।